हेलो एवरीवन, मैं दिनेश स्वागत करता हूँ आपका हमारे अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए एक कार्टून शेप पे अपने फोटो को एडिट करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखा होगा या फिर आप मेरे यूट्यूब के लोगों को भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम डिज़ाइन करने वाले। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना का टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। मैं इजीली यहाँ से प्ले स्टोर को ओपन करके आपको डायरेक्टली दिखा देता हूं। यहाँ पे हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है फ्रेंड्स पिक्सल लैब की। तो यहाँ से मैं देखिए, पिक्सल लैब इजीली अवेलेबल है। आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। और दूसरा ऐप जो कि टूनमी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये टूनमी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने भी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है उसको, तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम सेकंड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, टूनमी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऐप ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें दो सेक्शन दिखाई देते हैं, ट्रेंडिंग और टॉप। तो दोनों में से आप कौन सा भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छे अच्छे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से इजीली इस वाले फिल्टर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने गैलरी से एक फ़ोटो को चॉइस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इजीली अपने फ़ोटो को चॉइस कर लूँगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक पिक को सेलेक्ट कर लिया है। तो उससे हम आगे के प्रोसेस जानेंगे। तो यहाँ से मैं इजीली उसको यहाँ से स्क्वायर पे क्लिक करेंगे और इसको इजीली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से प्रोसेसिंग चल रही है तो यहाँ पे हमें इस ऐड को थोड़ा इग्नोर करना है और यहाँ से इजीली इसको कट कर देना है। यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, 5 से 10 सेकंड लगेंगे। देखिए ऑलमोस्ट डन आ रहा है। तो देखिए हमारा फ्रेंड्स इतना काम हो चुका है। आप भी चाहे तो आप और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आर्ट एंड इफेक्ट एनिमेट जो भी आप लगाना चाहे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका ठीक से नहीं हुआ तो। यहाँ पे हमें ब्रश वगैरह और ट्रांसपेरेंसी दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके हमें सेव टू डिवाइस को सेव कर लेना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो चुका है। तो इस ऐड को हम कर देंगे कैंसिल। तो यहाँ पे हमारा इमेज सेव हो चुका है, ऊपर आ गया है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। तो हमें अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट को इनेबल कर देंगे और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे फ्रॉम गैलरी से हमें उस फोटो को ले लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं फ्रेंड्स आपको पूरी प्रोसेस के साथ बताऊंगा और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें tonmi.com यहाँ पे मतलब उनकी ब्रांडिंग देखने को मिल जा रही है। तो हमें इससे क्या करना है, हमें इसको हटाना है। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स नीचे की ओर सर्कल ऑप्शन दिखाई देता है, तो उसमें हम इजीली इसको सर्कल में सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर में लगा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम सेंटर में इसको लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फटाफट से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है ताकि ये कुछ लोगों की तरह दिखाई दे, जिससे आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी लगा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के लोगों को भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने खुद ने लगाया हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से इसकी शैडो को इनेबल कर देना है। शैडो को इनेबल करने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रोक ऑप्शन में जाना है और यहाँ से हमें स्ट्रोक को 7 पे रख देना है। ठीक है, यहाँ से हम इसको ब्लैक में सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, और आप अपने हिसाब से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 5 पे रख देता हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स इनर शैडो को भी हमें इनेबल कर देना है, जिससे दिखने में थोड़ा प्रीमियम लुक दिखाई दे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स लोगो दिखने में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा। आप चाहे तो कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। तो हमें आप अगर चाहे तो और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए इतना मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ से सेव एज ए इमेज और डिफ़ॉल्ट क्वालिटी में जाके अल्ट्रा पे हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो देखिए हमारी सेविंग चल रही है। ओके, तो देखिए हमें हो चुका है। इस ऐड को हम कर देते हैं इग्नोर थोड़ा सा और यहाँ से हम गैलरी में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लोगो बन के रेडी हो चुका है। तो आप चाहे तो इसको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगा सकते हैं या फिर अपने यूट्यूब चैनल के लोगो पे भी लगा सकते हैं। तो
तो देखिए फ्रेंड्स देखने में कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहता था आपको कि आप कार्टून शेप में लोगो कैसे बनाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टाटा।